तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 30x32 का एक बेहतरीन हाउस प्लान। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आज मैं आपके लिए। आज हम बात करेंगे प्लिंथ बीम के बारे में, मतलब प्लिंथ बीम का टोटल जो बेसिक है आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब जो प्लिंथ बीम रहता है उसकी हाइट कितनी रखनी है एंड उसका उसमें ग्रेड कौन सा यूज करना है, उसमें सरिया कौन सा यूज करना है जो प्लिंथ बीम होता है, चलो मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला गाइज, आप अंत तक देखोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरे भाई अर्थक्विक जोन है, मतलब जो जहाँ पे अर्थक्विक ज़्यादा आता है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो प्लिंथ बीम होता है उसके नीचे ब्रिक वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और प्लिंथ बीम प्रोवाइड क्यों करते हैं, वो सब पता चलेगा आगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मेन मकसद क्या है प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने का। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या है, कुछ ये है, लेकिन मेन चीज़ जो है प्लिंथ बीम का काम क्या है, वो है जो फाउंडेशन रहती है नीचे हमारी, नीचे से कोई भी अगर सेटलमेंट वगैरह होती है तो वो क्रैक्स आपकी दीवार में ना आए, इसलिए वो प्रोवाइड होती है। एंड प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने का दूसरा हो गया जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, क्या होता है सीधा बीम प्रोवाइड करते हैं, ऊपर ब्रिक वर्क कर देते हैं, तो उसका मेन जो लोड आता है ब्रिक से वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, हमारा प्लिंथ बीम। दो चीज़ है ये जो मेनली हम प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी चीज़ जो गांव में देखी जाती है क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो है हाइट देने के लिए घर को। क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल होता है हमारा, फिनिश ग्राउंड लेवल जहाँ पे मतलब रोड ले लो या आपका कोई गली ले लो, तो उससे आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। क्यों उठाना पड़ेगा कि जो बारिश में क्या बोलते हैं पानी उसमें आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उधर आपको कितनी डेप्थ देनी चाहिए, मतलब उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम जो हाइट होता है ना 200 mm प्लिंथ बीम की हाइट होती है, लेकिन 200 mm आपको देनी नहीं है, मैं बोलता हूँ आपको 300 mm या 1 feet आपको मिनिमम उसकी प्लिंथ बीम की हाइट रखनी है, या 600 mm या 450 mm। ये तीन चार जो हाइट है ये डेप्थ, ये डिपेंड करती है आपके घर के हिसाब से, आपको आपके लोकेशन के हिसाब से क्या है। अगर देखो घर अगर वहाँ पे रोड बन चुका है या गली बन चुका है उस, तो आप 300 mm से 450 mm प्लिंथ करके घर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे अनडेवलप्ड एरिया है, रोड नहीं बना है या गली नहीं बनी है, तो उसको 600 mm मिनिमम रखनी है। क्यों रखनी है, क्योंकि बाद में अगर क्या होगा वहाँ पे रोड बनेगा या कुछ नाली बनेगी तो उसकी हाइट बढ़ेगी और आपका घर क्या होगा डाउन में, तो पानी सीधा आपके घर में जाएगा। ये मैक्सिमम हर घर में देखा गया, ये चीज़ हो गई। अभी नेक्स्ट चीज़ हो गई कि लोग बोलते हैं कि प्लिंथ बीम ऐसे कुछ भी, मतलब कुछ भी सरिया डाल के या ग्रेड डाल के ख़त्म कर देते हैं, नहीं, क्योंकि जो सब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है मतलब ब्रिक वर्क का है, तो सब लोड उस पर आने वाला है, सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी होते हैं अगर आपने उस पर अच्छे से, एक तो क्या कहते हैं गांव में अच्छे से मिट्टी को कंपेक्शन भी नहीं कहते हैं, वहां भी चांसेस हो जाते हैं घर बैठने के। फिर जो प्लिंथ बीम प्रोवाइड करेंगे उसमें भी अच्छे से ग्रेड या सरिया प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये चांसेस हो गए घर बैठने के। तो क्या करना है आपको, जो प्लिंथ बीम होगा मिनिमम आपको M20 ग्रेड उसमें यूज करना ही करना है आपको, और सरिया 12 mm का मिनिमम आपको सरिया 12 mm का प्रोवाइड करना है, 3 ऊपर और 2 नीचे। जो उसकी डेप्थ तो मैंने बता दी कि कितनी डेप्थ रखनी है, 300, 600 या 450 mm, जो उसकी विड्थ रहेगी 230 से कम मत रखो, बाकी आपका अगर बीम उसके दीवार के हिसाब से रखो तो तभी आपकी 230 mm रखनी ही रखनी है। अभी बात करते हैं, देखो
मैं कहता हूँ जो हमारा प्लिंथ बीम है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरी कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि ये क्या है टाई करके भी आपका रहेगा। अगर आपका अर्थक्विक जोन एरिया है, मतलब अर्थक्विक आते रहते हैं, तो ये ज़रूर ही ज़रूर आपको प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना ही करना है। तो अभी देखो ब्रिक वर्क मतलब करने का उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ब्रिक वर्क करोगे, प्लास्टर करोगे, उसके नीचे अगर दीमक वाला एरिया हुआ, दीमक लग गए, तो अगर उसमें आपको क्रैक्स ही क्रैक्स आएंगे आपके घर में। तो मैं बोलता हूँ कि ब्रिक वर्क कराने का उतना कोई फ़ायदा नहीं है, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो अभी मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट एंटर करेंगे तो यहाँ से स्टेयर, आप स्टेयर कम पार्किंग का प्रोविज़न किया हुआ है मैंने यहाँ पे 9 feet 8 inch by 10 feet 8 inch का ये एरिया मैंने रखा है आपका। यहाँ पे आपका मेन डोर आएगा, उसके बाद से यहाँ पे डोर एक, ये किचन है अपना 6 feet by 10 feet 8 inch वाइड रखा है मैंने इसको। उसके बाद से यहाँ पे एक डोर आएगा यहाँ पे, और ये अपना बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है 10 feet 8 inch एंड दिस इज आवर OTS जिससे घर में लाइटनिंग बनी रहेगी 3 feet 5 inch by 2 feet 6 inch का। एंड दिस इज अटैच्ड बाथ कम लाइटनिंग जो इस बेडरूम से अटैच है 6 feet by 3 feet 8 inch। उसके बाद से ये अपना कॉमन बाथ कम लैटरिन जिसका साइज मैंने रखा है 9 feet by 4 feet 6 inch एंड दिस इज आवर डाइनिंग एरिया जिसका साइज मैंने रखा है 8 feet 4 inch by 9 feet का। उसके बाद से यहाँ पे डोर ये हो गया अपना बेडरूम, इसका साइज मैंने रखा है 10 feet by 12 feet 2 inch एंड दिस इज आवर थर्ड बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है 11 feet 11 inch by 10 feet एंड दिस इज OTS 3 feet 8 inch by 3 feet 8 inch वाइड जिससे घर में लाइटनिंग बनी रहेगी प्रॉपर। एंड दिस इज अ पूजा रूम 3 feet 8 inch by 5 feet 11 inch। उसके बाद से ये अपना ड्राइंग हॉल 11 feet by 9 feet का ये आपका बेहतरीन। अगर प्लान अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि ऐसे मैं वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में लाखों रुपए बचाएंगे एंड बहुत हेल्पफुल होंगे। इसका बिल्डिंग कॉस्ट आएगा 18 to 20 lakhs, डिपेंड करता है आपके क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर। एंड कॉलम साइज को 10 into 12 का देखना है, 16mm का टोर 4 यूज़ करना है एंड कॉलम आपको इसमें 12 आएंगे। एंड विंडो साइज 3 feet into 4 feet 3 feet into 5 feet 4 फीट इंटू 5 फीट जो भी अच्छा लगे रख सकते हो। वेंटिलेशन 2 फीट इंटू 1 फीट का एंड डोर साइज 3 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट का। टॉयलेट डोर, पूजा रूम डोर आप 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट का रख सकते हो, और इसमें कॉलम्स आपको 12 मिलेंगे। एंड कॉलम्स का पोजीशन देख लो भाई लोग, आपको हेल्प मिलेगा कुछ, क्योंकि एक घर में कॉलम का इम्पोर्टेंस जो है वो आपको मालूम ही होगा कितना इम्पोर्टेंस रखता है अपना ये कॉलम। तो कैसा लगा ये प्लान कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऐसे और अमेजिंग हाउस प्लान, इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ। लव यू ऑल, जय हिंद।